आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान पालक पनीर की सब्जी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पालक लिया है, पालक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पानी गर्म होने देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें पालक ऐड कर देंगे और पालक को एक मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो पालक को मैंने एक मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पानी से पालक को निकाल लेंगे। अब इसे ठंडे पानी में डालेंगे। अब पालक को पानी से निकाल लेंगे। अब इसे मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो पालक को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, काजू और 3 हरी मिर्च लिया है, इसे मिक्सर जार में ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब पैन गरम होने देंगे। पैन में तेल ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज का कलर चेंज होने तक प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मसाले को ढक के पकने देंगे लो फ्लेम पे। थोड़ी देर बाद इसे चेक कर लें और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे एक रस करके और गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें पालक का पेस्ट ऐड कर दें और थोड़ा पानी ऐड कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे ढक के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट बाद इसे चेक कर लें और इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें दूध की मलाई ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूध की फ्रेश मलाई ली है, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है कट करके। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। ऐड कर दें और इसे मिक्स कर लें। अब ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैंने टोटल 1 ग्लास ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी को ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट बाद चेक कर लें और इसे मिक्स कर लें। तो सब्जी बनकर रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो तड़के पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक लिया है। पहले लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें अदरक ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे बीच से कट करके। तो तड़का रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लें। अब सब्जी में तड़के को ऐड कर देंगे। तो सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप इस सब्जी को रोटी, पूड़ी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी।